ये मैंने वो कोड ओपन कर लिया है जो हमने लास्ट क्लास में जो लिखा था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि रिक्वेस्ट डॉट आईपी में ना सही आईपी नहीं मिल रही, तो ये अभी हमारा मेन मकसद आईपी गेट करना है अभी नहीं, ठीक है। अभी मैं जस्ट ये करना था कि एक सर्वर को मैं रिक्वेस्ट मारूँ, वो मुझे रिस्पॉन्स करें। तो यहाँ तक सब लोगों का अभी मैंने देख लिया है, किसी के पास कोई एरर नहीं है, सबके पास चल गया है। अच्छा, तो अब जो अगली हमारी डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन हमारी क्या है? वो डिस्कशन हमारी ये है कि व्हाट इज द सर्वर इन द फर्स्ट प्लेस। सर्वर है क्या भला? हमने हेलो वर्ल्ड तो बना लिया इसका, हम ये भी जानते हैं कि क्लाउड में एक रखी हुई मशीन है, वो चल रही होती है। तो ज़रा आप लोगों में से यार प्लीज़ सब चीज़ें छोड़ दें जो भी आप कर रहे हैं और यहाँ मुतवज्जा हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये पहली और आखिरी दफ़ा हो रही है, ये आपसे कोई भी ये डिस्कशन करेगा नहीं आगे, ठीक है। लोग एज्यूम करेंगे कि आपको सर्वर पता है, तो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सर्वर इन द फर्स्ट प्लेस है क्या चीज़ भला। तो क्या समझते हैं आप लोग, जब सर्वर का नाम लिया जाता है तो जो अभी का आपका परसेप्शन है, क्या है सर्वर? एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है, ओपिनियन लिया जा रहा है आपसे, इसमें सही गलत नहीं है, जिसको जो पता है वो बताएं। जी, कनेक्टेड डिवाइसेस को सर्वर कहते हैं? नहीं, मतलब कनेक्टेड डिवाइसेस मतलब एक साथ मिला दें तो वो एक सर्वर बन जाता है। अच्छा, दो तीन कंप्यूटर को एक दोस्त ने कहा कि एक साथ मिला दें तो वो सर्वर बन जाता है। जी, और कोई आप में से बताना चाहे? जिससे आप कुछ हासिल कर रहे हो वो सर्वर होता है, मतलब उसको वो रिक्वेस्ट भेजें और रिस्पॉन्स कर रहा था वो सर्वर है। बैकेंड पे कोई डेटा सेट हो, ये बैकेंड क्या चीज़ है? अच्छा, और यार इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, जो बैंक की एक हेड हेड ब्रांच होता है वो सबको कनेक्ट कर रहा होता है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ को कनेक्ट कर रही है तो वो सर्वर कहलाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह सब आप लोग। अच्छा, और बताएं। सर, एक हाई प्रोसेसिंग मशीन होती है, हाइपोथेटिक मशीन, हाइपोथेटिक एक हाई प्रोसेसिंग मशीन होती है जो कि बाकी सर्वर्स को कनेक्ट कर रही है और उसके अंदर जो हम चीज़ों को अपनी साइट्स वगैरह को होस्ट करवा रहे हैं, उसको रिट्रीव करवा रहे हैं, ब्राउज़र पे वाला काम भी कर सकते हैं और भी बकाया काम उससे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या वर्ड यूज़ किया था? हाइपोथेटिक मशीन। अच्छा, हाई प्रोसेसर यानी हाँ, यानी ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा पावरफुल मशीन होती है। अच्छा, तो मोर और लेस आप सब लोगों ने अभी तक जितने भी लोगों ने बताया, तो इसका यानी लुपे लबाब ये कि सर्वर एक हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर है और उसको हम सर्वर कहते हैं। अब वो उसका रोल क्या है वो डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि वो एक हेड ऑफिस की तरह काम कर रहा है, कुछ लोगों ने कहा वो एज अ डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। क्या सर्वर हम हार्डवेयर को कहते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सर्वर जो है वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या सर्वर सॉफ्टवेयर है? कैसे सॉफ्टवेयर है? अच्छा, मेरी पुरानी वाली वीडियो तुमने देखी हुई है, ये डिस्कशन मतलब तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो बाय द वे मुझे एक बात याद आई अभी, जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग की, ये सीसी कंटेंट है। सीसी कंटेंट वो होता है कि जो पब्लिकली फ्री होता है, आप इसको डाउनलोड करके ना आप इसको दोबारा अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो, अगर आप में से कोई यूट्यूब का शौक़ रखता है, कोई भी है, तो वो इसको डाउनलोड करें, इसके शॉर्ट्स बनाएं छोटे छोटे और अपने चैनल पे अपलोड करें, ठीक है। तो ये मतलब पब्लिक, आप देखेंगे ना जाके नीचे लिखा होता है लाइसेंस, उसमें कॉन्टेंट पता नहीं क्रिएटिव पता नहीं क्या होता है, सीसी कॉन्टेंट कहते हैं। नहीं, कॉपीराइट इसमें नहीं आएगा। बाय द वे, अगर ये नहीं भी होता ना सीसी कंटेंट, तो वो पहले नोटिफिकेशन आती है क्रिएटर के पास, वो भेजेगा, कॉपीराइट तो जाता है, अदरवाइज नहीं जाता, ठीक है। तो सीसी कंटेंट में तो उसमें पब्लिक होता है, वो फ्री होता है सब लोगों के लिए, ठीक है। तो आप इसके शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करके आप अगर चाहें तो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल्स पर, कोई अगर शौक रखता है तो, ठीक है। क्योंकि मैं मुझसे अभी रिसेंटली किसी दोस्त ने कहा कि सर आप अपनी वीडियो एडिट क्यों नहीं करते,
मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है एडिट करने का भाई, तो आपके पास टाइम है आप एडिट करें, जितना अच्छा एडिट कर सकते हैं एडिट करके आप अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, ठीक है, तो और पैसे कमाएं यूट्यूब से। भाई देखो बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, मेरा तो अभी तक वो क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये करना शुरू किया अपलोड, मैं पहले नहीं करता था ये, मुझे शायद दो तीन महीने हुए हैं, तो अभी 2-3 महीने में पता नहीं 250-250 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, तो अगर मैं 250-250 वीडियोज़ को एडिट करने बैठ जाऊँ तो मेरा तो काम हो गया तमाम। तो मैं क्या करता हूँ, बस क्लास शुरू हुई रिकॉर्ड दबाया और क्लास ख़त्म हुई स्टॉप और अपलोड फ़ौरन, कोई ज़्यादा पंगा नहीं पंचायत में, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ये कंटेंट यही है ना, असल कंटेंट तो वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उसके अंदर मौजूद है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। कोड स्क्रीन शेयर होती है तो कोड दिख रहा होता है इसके अंदर, मेरा मुँह किसी को देखना भी नहीं है मतलब कोई कोडिंग पढ़ने आया था उसको मेरा मुँह क्यों देखना है भाई, उसको कोडिंग दिख रही है तो काफ़ी है, तो इसलिए मैं इसको एडिट वेडिट नहीं करता, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ये बाई दफे डिस्कस कर रहे थे कि सर्वर जो है वो क्या है, ये बीच में बात निकल आई तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आम तौर पे क्या होता है, एक तासुर पाया जाता है कि सर्वर जो है ना वो एक हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर है, उसको सर्वर कहते हैं। मैं भी शुरू में मैंने बताया था ना कि एक कंप्यूटर क्लाउड में कहीं चल रहा है उस पर हम अपनी ऐप डाल देते हैं, ठीक है, तो वो सर्वर है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सर्वर नहीं है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, पहले ये बताता हूँ कि ये मशहूर कैसे हो गया। आप जब जाते हैं किसी कंप्यूटर की दुकान में तो आप जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं ना, वो कहता है आपसे कि एक है नॉर्मल कंप्यूटर, एक है सर्वर कंप्यूटर। आमतौर पर सर्वर कंप्यूटर में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर लगा हुआ होता है, थोड़ी उसमें स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है उसकी, हाई पावर कंप्यूटर होता है, तो वो कहते हैं कि यार ये सर्वर कंप्यूटर भी आप ले जाएँ। तो अगर आप उनसे सवाल करें कि ये सर्वर में और नॉर्मल में क्या फ़र्क है, तो वो कहेंगे कि ये सर्वर जो है ना 24 घंटे चलते हैं और इसको कुछ होता नहीं है, ये बड़े मजबूत किस्म के होते हैं और इसमें प्रोसेसर भी दो दो लगाने की जगह होती है, रैम भी इसमें 4-5-6 स्लॉट होती हैं रैम की, ठीक है, हार्ड ड्राइव भी 5-6 लग जाती है, मतलब इस तरह के कंप्यूटर को वो सर्वर कंप्यूटर बोल के बेचते हैं। अच्छा, कंपनी ने उस पर लिखा हुआ भी होता है, जैसे यहाँ आपके पास जो लगे हुए ना ये सारे सर्वर वाले कंप्यूटर हैं, जी सीरीज़ है, डेल की पता नहीं कौन सी, एचपी की जी सीरीज़ है, Z600 है शायद ये जो लगे हुए, तो ये सर्वर एडिशन है। तो अब ये क्या चक्कर हुआ, असल में हुआ ये कि जब इंटरनेट आया ना नया नया, तो उस वक्त जो ये हम काम कर रहे हैं ना, ये हमने एक्सप्रेस की ऐप बनाई और एक्सप्रेस की ऐप बना के मैंने, जाहिर है अच्छा क्लाउड का कॉन्सेप्ट तो नया है बहुत, पहले क्या होता था घर पे मशीन खरीद के लाते थे और घर पे रख के चलाया करते थे लोग, या कंपनी में या जो भी ऑफिस होता था, तो वो भाई क्या किया उसने एक CPU अच्छा सा देख के खरीद के ले आया और ला के यहाँ पे लगा लिया अपने पास, उसको इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया, स्टेटिक IP दे दी और वो चल पड़ा। मसला उसमें ये था कि चल रहा है वो सही है, लेकिन कभी क्रिसमस वगैरह हुआ, कभी ऐसा मौका हुआ तो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आती थी ना, वो क्रैश कर जाता था, क्योंकि वो जाहिर है एक कंप्यूटर एक लिमिटेड ही अमाउंट ऑफ ट्रैफिक संभाल सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगी उसकी औकात से ज़्यादा तो वो क्रैश कर जाएगा जाहिर है। जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले कि वेरिएबल उतने ही बन सकते हैं जितनी रैम में जगह है। अब मिसाल के तौर पर जब एक दफ़ा रिक्वेस्ट आती है ना, तो मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है लेट ए इक्वल्स टू 5 ऐसे बनाया हुआ है, तो अब अगर 100 रिक्वेस्ट एक साथ आ गई ना, तो ये 100 दफ़ा एक झटके में 100 दफ़ा चलेगा, तो ये 100 वेरिएबल बन गया, ठीक है, 100 रिक्वेस्ट अगर आ गई तो ये एक झटके में 100 दफ़ा चल जाएगा, ठीक है, और हर यूज़र के लिए अलग अलग चलेगा जाहिर है। तो वो फिर क्या होगा कि अगर एक लिमिट तक वो संभालेगा उसके बाद वो क्रैश कर जाएगा, बोलेगा यार रैम में मजीद जगह ही नहीं है, या तो आने वाले सर्वर को वो बिज़ी शो करेगा, उसकी रिक्वेस्ट लोडिंग लेती रहेगी जब तक वो खाली नहीं होगा, उसको आगे रिस्पांस नहीं मिलेगा, या तो उसको बोल देगा कि भाई नहीं है सर्वर, या हो सकता है अगर सही तरह से कोड ना लिखा हो तो वो बिल्कुल ही क्रैश करके वो स्टॉप हो जाए, सर्वर ही स्टॉप हो जाए, ठीक है। अगर सही तरह लिखा होगा कोड तो क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी लेकिन रिस्पॉन्स बहुत लेट आएगा उसका, अगर सही कोड लिखा होगा तो। अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं इसमें ना रैम बढ़वा देते हैं, रैम बढ़वा दी, 64 GB की रैम लग गई भाई। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि यार प्रोसेसर भी ना थोड़ा अच्छा वाला लगा दिया, तो वो प्रोसेसर भी हटा के दूसरा थोड़ा जो भी उसमें मैक्सिमम लग सकता था वो प्रोसेसर लगा दिया। दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग, सही है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल स्केलिंग, कि एक ही मशीन में आप उसका रैम प्रोसेसर बढ़ाते चले जाओ। लेकिन मसला ये है वो एक पॉइंट पे आके वो उसमें 6 स्लॉट थी, 6 की 6 भर गई, ठीक है, तो 32 GB की जो है ना 6 रैम लगा दी उसने, तो जो मैक्सिमम गई है उसके आगे तो है नहीं। तो उसके बाद उन्होंने बोला यार अब क्या करें, फिर उन्होंने कहा कि यार इसके साथ ना एक दूसरा कंप्यूटर भी लाके लगाते हैं,
एक दूसरा कंप्यूटर भी ला के लगाते हैं। तो एक दूसरा वैसा ही कंप्यूटर खरीद के ला के लगा दिया और उन दोनों के दरमियान लगा दिया लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर जो है वो हम कवर नहीं करेंगे इस कोर्स में, लेकिन ये है कि अब तो क्लाउड में बिल्ट इन है वो हमें समझने की जरूरत। तो एक लोड बैलेंसर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है ट्रैफिक को ना दोनों पे डिवाइड करता है कि जो जिस पे अवेलेबल स्पेस है उस पे वो कर देता है। तो दोनों पे लोड बैलेंसर लगा दिया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, ये ऐसे फैल रहा है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर। ठीक है, अब उस पे अगर कम पड़ेगा तो तीसरा लगा देंगे, चौथा लगा देंगे, पाँचवा, तो वो पाँचों के दरमियान लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, और वो लोड बैलेंसर का सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट होता है कि वो क्या करता है, अगर ट्रैफिक बिल्कुल कम आ रही है ना तो पांच कंप्यूटर है तो वो चार को बंद कर देगा, एक को ऑन रखेगा सिर्फ। ठीक है, जो नए वाले जो लोड बैलेंसर है दैट इज़ कॉल्ड कुबरनेटीज। ठीक है, बल्कि उसको ना लोड बैलेंसर भी नहीं कहते, अब इसका एक अच्छा सा नाम है नया, इसका नाम है ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। इसका क्या नाम है? ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। कुबरनेटीज इज द मोस्ट फेमस ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जिनको इतना लोग जानते नहीं है, आप खुद का भी लिख सकते हैं ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, आप खुद का सॉफ्टवेयर छोटा सा लिख लें कि भाई रिक्वेस्ट आई है, चार कंप्यूटर हैं, चारों का रैम देखो कितने परसेंट पे, चारों का प्रोसेसर देखो कितने परसेंट पे, जिसका सबसे कम है उस पर भेज दो। ठीक है, खुद भी लिख, लेकिन वो गूगल ने लिखा था एक अपने लिए, यही अपने लिए लिखा था, बाद में उन्होंने पब्लिक कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कुबरनेटीज। तो कुबरनेटीज लगा देते हैं हम, पाँच छः दस बारह जितने कंप्यूटर हैं वो खुद ही ऑटोमेटिक उसको कंप्यूटर को ऑन ऑफ खुद ही कर रहा होता है ट्रैफिक को देखते हुए। ठीक है, और कोई कंप्यूटर अगर क्रैश हो रहा है तो वो फिर ईमेल मारता है कि यार आपका फला कंप्यूटर है, इसमें रैम फेल हो गई है, जो भी होता है वो सब कुछ खुद करता है। तो ये वाला सीन था। तो शुरू शुरू में ना IBM वगैरह ने और जब इन्होंने कंप्यूटर बनाए ना, तो इस तरह की जो कंपनीज थी ना, उन्होंने बोला यार हमें बड़े कंप्यूटर चाहिए, हमें हैवी कंप्यूटर चाहिए जिनमें दो दो तीन तीन प्रोसेसर लग जाते हो एक ही वक्त में, जिसमें ज़्यादा रैम की स्लॉट्स हों। तो उन्होंने ना टैग लाइन निकाली, सर्वर कंप्यूटर्स। सर्वर कंप्यूटर्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो स्पेसिफिकली सर्वर को रन करने के लिए बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर सर्वर नहीं है वो मशीन सर्वर नहीं है, सर्वर वो है जो उस पर रन होगा, सॉफ्टवेयर है सर्वर। ठीक है, वो कैसे सॉफ्टवेयर, अभी हम आगे थोड़ा देखते हैं। अच्छा, तो वो उस वक्त चला ट्रेडिशन, अब उसके बाद क्या हुआ, वो सर्वर 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 वो इतना ज़्यादा लोगों ने बोला, जैसे मैंने जिक्र किया था ना, एक तीन तरह का ट्रूथ होता है, एक पॉलिटिकल ट्रूथ होता है, तो ये पॉलिटिकल ट्रूथ है। वो इतना लोगों ने मार्केट किया ना कि सर्वर कंप्यूटर, तो वो मशीन को ही लोग सर्वर समझने लग गए। ठीक है, हालांकि जो हार्डवेयर है दैट इज़ नॉट सर्वर, सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो कैसे है सॉफ्टवेयर, देखो नाम पे गौर करेंगे ना तो सारी कहानी नाम में छुपी हुई है। सर्वर नाम का मतलब क्या है, अंग्रेजी में सर्वर किस चीज़ को कहते हैं? खिदमत करने वाला, सर्व करने वाला, वेटर जो होता है ना वो फूड लाके सर्व करता है आपको। ठीक है, तो सर्वर, अच्छा एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। जब आप कहीं मेहमान जाते हैं तो आप क्या होते हैं, आप गेस्ट होते हैं, और जो जहाँ जाते हैं वो आपका होस्ट होता है। अब वो चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, चाहे किसी के घर गए हो, जिसके पास भी आप जाते हैं वो होस्ट होता है, वो आप, वो मेज़बान जिसको उर्दू में कहते हैं, आप मेहमान होते हैं, वो मेज़बान होता है। अच्छा, अब आप उससे जो भी मांगेंगे ना वो आपको देगा। रेस्टोरेंट में आपने कहा यार मुझे पानी ला दो, कोक ला दो, कोई बिरयानी ला दो, वो देगा आपको ला के। ठीक है, तो वो जो ला के दे रहा होता है आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल जो कर रहा होता है, ठीक है, ये फुलफ़िल को भी सर्व भी कह सकते हैं कि आपकी, आप जो मांगते हैं वो आपको ला के सर्व करता है। ठीक है, तो उसको सर्व करने वाला, सर्वर का मतलब है सर्व करने वाला। भाई मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर ऑर्डर किया, हांडी बिरयानी ला के उसने रखी, अब वो हांडी होती है गर्म, तो वो आमतौर पर पूछते हैं कि सर इसको सर्व कर दूँगा, तो अगर आप कहेंगे हाँ तो वो प्लेट प्लेट में डाल देगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि वो गर्म होती है, पता चला आप अपना हाथ जला लें, या समटाइम आप अगर खाने के दौरान आप कोक वगैरह मांगे तो क्योंकि हाथ ऑयली हुए हुए होते हैं आपके, तो वो भी आप उसको कहेंगे यार उसको सर्व कर दे, तो वो खोल बोल के ना पाइप पाइप डाल के आपके मुंह के आगे कर देते। तो सर्व करने का मतलब क्या है कि आप जो भी बात बोल रहे हैं ना वो कर दे, वो दैट इज़ कॉल्ड सर्व। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं ना आर्मी में सर्व कर रहे हैं, यानी आर्मी में अपनी खिदमत दे रहे हैं वो। ठीक है, या पुलिस में सर्व कर रहा है, किसी भी जगह पे कोई अगर एम्प्लॉई होता है तो वो उसको कहते हैं ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर, यानी सर्व कर रहा है, यानी कि जो उसको उस इदारे की तरफ से दी गई ड्यूटी है या जो बोला गया है या जो रिक्वेस्ट किए इदारे ने वो काम वो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एज अ टीचर सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, सैलानी में एज अ टीचर सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ। तो सर्वर का मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट की जा रही है वो अगर रिस्पॉन्स हो रहा है ना, यार ये स्क्रीन की लाइट जो बंद होती है ना इससे मेरी हट जाती है, इसको मैं कर देता हूँ नेवर, नहीं बल्कि तीन एक घंटे वाला कर देता हूँ।
स्क्रीन की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए इस ये अभी नए वाले फ़ोन है ना उसमें आ गया ये कि अगर जब तक आप स्क्रीन से मुंह नहीं हटाते ना वो लाइट बंद नहीं करता, लेकिन लैपटॉप में अभी ये चीज़ नहीं आई, ये लैपटॉप में भी होनी चाहिए बेल, लेकिन ये फिर भी बंद हो जाएगा क्योंकि वो देखता है शायद आँखों को देखता है वो, तो मैं आँखें तो मेरी आपकी तरफ है बेल, कुछ निकालनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी सोचनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा देर लाइट जलने से स्क्रीन भी ज़्यादा यूज़ होती है ना, मिसाल के तौर पर उठ के चला गया फिर भी जल रही है, तो मैं उठ के जाऊँ तो फिर बंद हो, लेकिन जब तक मैं बैठा हूँ इसके आगे जब बंद ना हो तो कुछ सोचना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। अच्छा तो सर्वर नाम का मतलब जो हमने जाना वो मतलब ये है कि कोई भी रिक्वेस्ट आप करें ना वो रिस्पॉन्स आपको कर दे, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर। अच्छा अब वो चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, अच्छा लेकिन हमारे केस में सर्वर जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसे है, ये एक्सप्रेस का जो मैंने लिखा है ना अभी जावा स्क्रिप्ट में, ये सर्वर जो लिखा है एक्सप्रेस का, ये आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, दिस सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू रिस्पॉन्स। अगर मैं अभी इसको रन कर दूँ कोल्ड को अपनी मशीन पर, तो आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट तो आप मेरी मशीन पर भेजते हैं, मेरे आईपी एड्रेस पर भेजते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट पहुँचती किसके पास है, वो इस सॉफ्टवेयर के पास पहुँचती है, और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिसाइड करता है कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना है। सॉफ्टवेयर नहीं, एक्चुअली हम कोड लिखते हैं, हम डिसाइड करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हम कोड पहले से लिख देते हैं, ये जो हम एक्सप्रेस का सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं तो हम लिख देते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपको क्या रिस्पॉन्स भेजना है, आपको आया कि वो चीज़ भेज देनी है जो आपने मांगा है, या 404 बोल देना है कि नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मेज़बान भी आप हर बात पूरी नहीं करेगा आपकी। मिसाल के तौर पर आप किसी के घर गए, आपने उसको कहा कि यार मैंने निहारी खानी है ना, तो वो हो सकता है आपको मंगवा दे निहारी, ये बना दे आपके लिए, लेकिन अगर आप उसको कहें कि ये घर मेरे नाम कर दो तो हर रिक्वेस्ट फुलफ़िल आपकी वो भी नहीं करेगा। हमने ये समझ लिया कि अगर आप किसी के घर जाके बोलेंगे ना कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप आके बोलेंगे कि सर मेरी शादी करवा दें, तो वो मैं नहीं करवा सकता, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो इस सर्वर में भी ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी हर रिक्वेस्ट को ज़ाहिर है फुलफ़िल नहीं करेगा, कुछ रिक्वेस्ट जो मैंने बताया हुआ है ना यहाँ पे कि स्लैश पे ये भेज दो, होम पे ये भेज दो, प्रोफाइल पे ये भेज दो, वो तो ये बता देगा आपको, लेकिन जो बाकी रिक्वेस्ट है जो इसमें बनी हुई नहीं है, जो मैंने बताया नहीं है कि क्या करना है, वो आपको कह देगा नॉट फाउंड, कि मुझे नहीं पता भाई इसका जवाब, ठीक है। तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स, कि जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अच्छा फिर ये सॉफ्टवेयर अभी मेरी मशीन के ऊपर मौजूद है, तो माई मशीन इज़ एक्टिंग लाइक अ सर्वर, क्योंकि लेकिन सॉफ्टवेयर है असल में वो सर्वर। अच्छा मैं यही सॉफ्टवेयर उठा के कहाँ भेज देता हूँ, साइक्लिक पे या गूगल क्लाउड पे, तो फिर आप क्या उनका URL हिट करते हैं, और उनका URL जब हिट करते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, इसी सॉफ्टवेयर के पास जाती है जो वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले यहाँ था वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे अपने घर में सर्वर लगाया हुआ है, चार आपने कंप्यूटर लगाए हुए हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल किया हुआ है, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है लोड बैलेंसर पे, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। लोड बैलेंसर आगे करता है किसी पांच में से किसी एक मशीन को, और अल्टीमेटली उस मशीन के अंदर भी यही एक्सप्रेस का सर्वर चल रहा होगा। अच्छा सर्वर लिखने के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं एक्सप्रेस के अलावा भी, ठीक है, एक्सप्रेस इज़ नॉट द ओनली फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग सर्वर्स। तो PHP में भी सर्वर बनते हैं, और C# में भी बनते हैं, सी लैंग्वेज में भी बनते हैं सर्वर, आपका .NET के सर्वर्स बड़े फेमस हुए थे बीच में, जावा पे बनते हैं सर्वर्स, ठीक है, सर्वर बहुत सारे। अच्छा जावा के फिर कई सारे फ्रेमवर्क हैं, जावा का एक SE करके कोई है फ्रेमवर्क, तो क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका सर्वर JavaScript पे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप JavaScript के अंदर एक्सप्रेस की लाइब्रेरी यूज़ करें। अच्छा JavaScript में भी एक्सप्रेस के अलावा और फ्रेमवर्क्स हैं सर्वर लिखने के, ठीक है, एक्सप्रेस के अलावा भी फ्रेमवर्क है। तो हमें पता ही चला है कि सर्वर बनाने, सर्वर तकरीबन हर लैंग्वेज में बन जाते हैं, पाइथन में भी बन जाते हैं, C# में भी बन जाते हैं, ठीक है, अच्छा JavaScript में भी बन जाते हैं। JavaScript के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिसमें से हम एक्सप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह पाइथन के अंदर दो बड़े मशहूर फ्रेमवर्क हैं, जेंगो और फ्लास्क, दोनों में सर्वर बनते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और फ्रेमवर्क चूज़ करना होता है। तो अब ये सवाल है कि हमने JavaScript क्यों चूज़ की, और JavaScript के अंदर एक्सप्रेस ही को क्यों चूज़ किया। उसका रीज़न ये है कि एक्सप्रेस इज़ द मोस्ट फेमस सर्वर फ्रेमवर्क। जो मर्न स्टैक है हमारा, जो वेब डेवलपमेंट का जो मर्न स्टैक है MERN, उसमें E फॉर एक्सप्रेस है और N फॉर Node.js है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो वेब डेवलपर्स हैं उनको ये सर्वर आते हैं बनाना,
ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जब आप ये चैट बॉट का कोर्स करते हैं तो चैट बॉट तो आप सीख रहे हैं, लेकिन असल में आप आधे वेब डेवलपर भी बन रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये जो सर्वर की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये वेब में सेम है। MongoDB भी हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, MERN मर्न स्टैक है ना, सबसे पहले M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस और R फॉर रिएक्ट। रिएक्ट हम पढ़ेंगे नहीं इस कोर्स में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद N फॉर Node.js, क्योंकि ये सारा कुछ ओवरऑल Node.js के इंजन पे रन हो रहा है, ठीक है। Node.js itself कोई चीज़ तो है नहीं, वो तो ज़ाहिर है JavaScript ही है Node.js। तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना सिर्फ आप रिएक्ट अगर पढ़ लेते हैं अलग से, तो आप चैटबॉट डेवलपर प्लस वेब डेवलपर ऑटोमेटिक बन जाएंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न है कि हम ये वाला कर रहे हैं। अच्छा, मर्न स्टैक में एक्सप्रेस को क्यों रखा है इन्होंने? मर्न स्टैक जो है वो सबसे फेमस स्टैक है वेब डेवलपमेंट का, जिसकी अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, मर्न स्टैक है वो, ठीक है। तो और ये काफ़ी पुराना फ्रेमवर्क है, मतलब काफ़ी पुराना से मतलब ये है कि स्टेबल हो चुका है, कोई बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंटल नहीं है। और मर्न स्टैक के ऊपर एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन अब बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक्सप्रेस के अलावा भी फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन एक्सप्रेस सबसे फेमस है, और क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट के एक सबसे फेमस स्टैक का पार्ट भी है, तो इसलिए हमने बोला कि यार यही वाला करते हैं। अच्छा, हम इससे पहले और इससे आगे बहुत सारी चीज़ें दूसरी वो जावास्क्रिप्ट में होगी, तो लैंग्वेज सेम रहे ये भी एक रीज़न है कि सर्वर पे भी सेम लैंग्वेज। पता चले मैं सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, सर्वर में पाइथन पे लिखवा दूँ, तो पता चले पाइथन भी सीखना पड़ेगा। अभी हमने जावास्क्रिप्ट सीखी, कितना टाइम लगता है जावास्क्रिप्ट सीखने में, छोटी 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 चीज़ें होती हैं कि भाई इफ़ के अंदर अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर बूलियन की जगह स्ट्रिंग मिल गया तो क्या होगा, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं। फिर ये पाइथन में ज़ाहिर है डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज स्पेसिफिक है, तो फिर हमें दो दो लैंग्वेज सीखनी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि यार जावास्क्रिप्ट पे ही रखते हैं सब चीज़ों को। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है वो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती जा रही है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जिसमें हर कुछ हो रहा है। एक बड़ा मशहूर बंदा है, उसने कहा था कि यार अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जो जावास्क्रिप्ट में बनाई जा सकती है, पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में बनाना, तो इवेंचुअली वो जावास्क्रिप्ट में बनाई जाएगी। मिसाल के तौर पर मोबाइल ऐप्स जावास्क्रिप्ट में बनाना पॉसिबल है, तो वो रिएक्ट नेटिव उसका फ्रेमवर्क आ चुका है आपके सामने, ठीक है। वेब एप्लीकेशन तो बनती ही जावास्क्रिप्ट में शुरू से, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अब जावास्क्रिप्ट में बन रही है। इसका एक फ्रेमवर्क है इलेक्ट्रॉन JS, ये जो VS कोड है ना आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो हम एडिटर यूज़ करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क है उस पर बना हुआ है। तो आप इलेक्ट्रॉन पे कोड लिखते हैं तो वो डेस्कटॉप दोनों तीनों निकल जाता है, लिनक्स, विंडोज़ और मैक, ये तीनों की बिल्ड निकाल देता है। यही वजह है कि आप देखें लिनक्स और मैक और उस पर ये बिल्कुल सेम दिखता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ही है, वो तीनों पे रन होगी। जावास्क्रिप्ट तो सब जगह चलती है, तो ये भी बन रहा है इसके ऊपर। अब IoT में भी अब जावास्क्रिप्ट आ चुका है, वरना इससे पहले IoT सी लैंग्वेज पे होती थी, या आर्डिनो भी असल में सी लैंग्वेज ही है पीछे। तो जावास्क्रिप्ट अब IoT में भी आ रही है, तो आप यू नेम इट और जावास्क्रिप्ट में वो काम हो रहा है। तो बड़ी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनती जा रही है। AI भी पहले सिर्फ पाइथन में करते थे लोग, लेकिन अभी टेंसरफ्लो JS के नाम से वेब के ऊपर डायरेक्ट AI चल जाती है। जावास्क्रिप्ट में ट्रेनिंग जावास्क्रिप्ट में हम कवर नहीं करेंगे, वो टेंसरफ्लो JS, लेकिन वो हो चुका है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब असेंबली आ गई, यानी डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज का कोड आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्ट वो प्रोसेसर को बात कर रहा होगा। डायरेक्ट ग्राफिक्स जो है वो पहले ये होता था, ब्राउज़र पे इतनी अच्छी ग्राफिक्स नहीं चला सकते थे आप, लेकिन अब OpenGL के आने के बाद जो एक स्टैंडर्ड है ग्राफिक का, उसमें क्या होता है कि ब्राउज़र के ऊपर अगर आप कोई वेब असेंबली का कोड लिखते हैं तो वो डायरेक्ट आपके GPU को एक्सेस कर रहा होता है, डायरेक्ट एक्सेस है GPU का, ठीक है। आपने शायद एक बहुत पहले एक नाम सुना हो डायरेक्ट एक्स, अक्सर जो पुरानी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसमें डायरेक्ट एक्स का एक प्लगइन होता था, वो डालना पड़ता था। तो वो डायरेक्ट एक्स जो है ना वो यही था कि आपका जो PC है वो डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड को एक्सेस कर सके, जो भी ग्राफिक मेमोरी है। तो वो चीज़ अब ब्राउज़र में भी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ नॉर्मल PC गेमिंग में होती है, वही ब्राउज़र के अंदर भी PC गेमिंग वो वाली अब हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारे ब्राउज़र में गेम चलते भी हैं, आपने देखा होगा, मैं तो गेम्स नहीं खेलता इतने, लेकिन बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो ब्राउज़र में डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। जैसे पहले होता था ना भाई, मतलब 20-25 GB की DVD होती थी, उसको ला के इंस्टॉल करते थे। अब क्या होता है कि अब जो राउंड स्टार्ट होने वाला होता है ना, वो राउंड डाउनलोड होता है, 2-4 मिनट लगता है, वो सिर्फ वो राउंड डाउनलोड होता है और वो चलना शुरू हो जाता है। अब जब वो राउंड पार करते हैं, अब अगला राउंड आता है, वो इतने में बैकग्राउंड में अगला राउंड डाउनलोड कर चुका होता है, तो ये इंस्टॉलेशन सब खत्म हो गई है, अब वो डायरेक्ट प्ले होता है। और अगर वंस आपने रन किया हुआ है, वो पीछे उसने सेव कर लिया वो कैशे मेमोरी में, अब अगली दफ़ा वो लोड भी नहीं करेगा, वो उसी को चलाएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब जगह हो रही है। ये यार भाई उसको साइलेंट कर दिया करो, सब लोग फ़ोन अपना साइलेंट कर लिया करो यार, सही है।
तो जावास्क्रिप्ट सब जगह पे आ चुकी है, तो जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीखी है तो ये कहीं ना कहीं आपको काम देगी। ऐसा नहीं होगा कि जावास्क्रिप्ट आपका सीखना ज़ाया जाएगा, जावास्क्रिप्ट हर बंदे को आनी चाहिए इस टाइम पर। और जावास्क्रिप्ट के अंदर में बिगनर लेवल की, एंट्री लेवल की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी आती है तो एंट्री लेवल की जॉब आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्यों है, उसमें क्यों नहीं है? असल में जावास्क्रिप्ट जो है ना वो सब जगह चल रही है, मसला ये है। वेब में तो जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ है ही नहीं ना, यानी फ्रंट एंड जो बनेगा आपका वो तो जावास्क्रिप्ट में ही बनेगा। अभी गूगल बड़ी कोशिश कर रहा है बाई द वे कि ये अपनी जो इनकी पता नहीं गो लैंग्वेज है या पता नहीं डार्ट है, दोनों बाई द वे इन्हीं की, ये कोशिश कर रहा है ये जावास्क्रिप्ट की जगह पे आ जाए। ब्राउज़र में ना डायरेक्ट में डायरेक्ट कोड लिखे हैं, ये कोशिश, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि मिलियंस ऑफ पीपल दे नो जावास्क्रिप्ट, दे आर डूइंग डेवलपमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो वो जावास्क्रिप्ट ना फ्रंट एंड में तो थी पहले से, फिर जैसी नॉट जे एस आई ना 2009 में आई है नॉट जे एस, तो इसमें फिर सर्वर भी बन गया, डेटाबेस भी बन गया। ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट जिसमें पूरा स्टैक है, ये मर्न स्टैक जो पूरा है ना, ये चारों चीज़ें जावास्क्रिप्ट में, ये और किसी लैंग्वेज में ये है नहीं। फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट, सर्वर भी जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस भी जावास्क्रिप्ट, और जो यूआई बन रहा है, जो सीएसएस वगैरह लिखी जा रही है ना, अब वो भी अब जावास्क्रिप्ट हो गई है, ठीक है। जो रिएक्ट के अंदर जो हम सीएसएस लिखते हैं वो भी अब ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये चारों काम ना पाइथन में ये नहीं होता। पाइथन में अगर आप जेंगो का सर्वर लिख रहे हैं तो आपका सर्वर तो जेंगो में है, लेकिन डेटाबेस माई सीक्वल होगा आपका, ठीक है। तो एसक्यूएल की क्वेरीज लगेंगी उसमें, वो जावास्क्रिप्ट, वो पाइथन में नहीं है, वो उसकी अपनी एक क्वेरी लैंग्वेज है। फिर इसी तरह फ्रंट एंड आपका क्या होगा, वो एचटीएमएल में होगा, लेकिन एचटीएमएल के साथ पाइथन नहीं लगेगी, लगेगी वही जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड पे चलती है, क्योंकि पाइथन फ्रंट एंड पे डायरेक्ट तो चलती नहीं है। पाइथन जो है ब्राउज़र पे डायरेक्ट नहीं चल सकती, ठीक। इसी तरह सी शार्प जो होता है उसमें भी यही है, सी शार्प में आप सर्वर तो लिख लेंगे, लेकिन ये डॉट नेट का फ्रेमवर्क चलता है सी शार्प में सबसे ज़्यादा। तो सी शार्प में जो आप डॉट नेट का वो कोड लिखेंगे ना सारा, वहाँ से आप जो पेज भेजेंगे, बंदे ने हिट किया यूआरएल, एक पेज बन के आता है, वो पेज जो है वो होगा एचटीएमएल सीएसएस में, और जावास्क्रिप्ट होगी साथ में, कोई बटन के क्लिक पे जावास्क्रिप्ट चलेगी। तो आपको सही सी शार्प भी लिखनी है, साथ में जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, दोनों सीखना है। तो यही वजह है कि ये जितने भी कोडिंग वाले बंदे हैं ना, चाहे वो सी शार्प वाला हो चाहे वो पाइथन वाला हो, सबको जावास्क्रिप्ट आती है, क्योंकि सबको जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है अगर वेब एप्लीकेशन बना रहा है तो। अच्छा, इसी तरीके से आप जो मोबाइल ऐप्स है ना उसके अंदर जावास्क्रिप्ट तो नहीं चलती, लेकिन फ्रंट एंड उसमें भी ना एक्सएमएल में होता है, जो बिल्कुल एचटीएमएल की तरह होता है। तो एचटीएमएल भी सब लोगों को आती है और जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर लोगों को आती है। तो जब इसमें सर्वर बने ना, तो उन्होंने बोला भाई सर्वर भी इसी में करो, मोंगोडीबी सबसे फास्ट डेटाबेस है। इसमें डेटाबेस की अगर आप लिस्ट चेक करें कि सबसे एफिशिएंट डेटाबेस जो है इस दौर का नो सीक्वल में, वो मोंगोडीबी है, और बिग डेटा को भी हैंडल कर लेता है। अभी हम डेटाबेस जब पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कशन है, वो फिर हम करेंगे कि मोंगोडीबी ही क्यों हम कर रहे हैं, और मोंगोडीबी में ऐसी क्या बात है जो सीक्वल में नहीं है और ओरेकल में नहीं है, इन सब में नहीं है। बाय द वे ओरेकल भी अपने पास ना इम्प्लीमेंट कर रहा है ये नो सीक्वल, कर चुका है, बल्कि वो ये भी बीटा में है वो शायद जी। तो किसी का कोई सवाल जो अभी तक हमने बात की उससे मुतालिक? अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि यार ये चक्कर क्या है, जो सर्वर के साथ बातचीत होती है ये चक्कर है क्या। देखो, मैं एक ड्राइंग ऐप ज़रा कोई खोल लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें ना मैं बताता भी जा रहा हूँ और ड्रॉ भी करता जाऊँ थोड़ा। अच्छा, ये है आपका वेब एप्लीकेशन, राइट। अच्छा, ये है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन, और ये है आपकी कोई भी स्मार्ट स्पीकर या कोई आईओटी की डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज़। अच्छा, ये है आपका वो सर्वर जो अभी अभी हमने क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया, सही हो गया। ये आपका सर्वर है, वो मतलब ये तो मशीन है लेकिन इसके अंदर वो कोड रन हो रहा है हमारा सर्वर का। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने वेब एप्लीकेशन से, आप सब लोगों को पता है कि सर्वर को कैसे कॉल किया जाता है, एक्जियोस के ज़रिए जो हमने
वेदर एप्लीकेशन बनाई थी और नमाज टाइमिंग एप्लीकेशन बनाई थी, उन दोनों में हमने क्या किया था, हमने यहाँ से वेब एप्लीकेशन से एक यूआरएल हिट किया था जो कि कहाँ पहुँचा था, क्लाउड में मौजूद एक सर्वर पे पहुँचा था और वहाँ से रिस्पॉन्स आया था। अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट होगी ये हमेशा जेसन में होगी और जो सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजेगा ये हमेशा क्या होगा, जेसन में होगा। ठीक है, अच्छा जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि ये यूनिवर्सल है, जितने भी सर्वर है इस वक्त वो इसको फॉलो कर रहे हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जेसन में भेजा जाता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अच्छा, इस तरह की API जिसको रिक्वेस्ट भी हम जेसन में भेजते हैं और वो रिस्पॉन्स भी जेसन में करती है, इस तरह की API को हम कहते हैं REST API। ठीक है, या RESTful API कहते हैं उसको। अच्छा, RESTful API जो है उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, तो ये सिर्फ जेसन आने जाने से नहीं होता, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा, अभी देखते हैं हम आगे ना, वो 5 प्रिंसिपल्स पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या है 5। अच्छा, तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि रिक्वेस्ट जो भेजी जाएगी वो जेसन में भेजी जाएगी और रिस्पॉन्स जो भेजा जाएगा वो भी जेसन में भेजा जाएगा। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था और अभी भी ये होता है PHP में, .NET में, ये सब में अभी भी यही हो रहा है कि रिक्वेस्ट जब भेजी जाती है ना फ्रंट एंड से, तो सर्वर क्या करता है, पूरा पेज एक तैयार करता है। सर्वर क्या करता है, पूरा पेज एक तैयार करता है अपने पास। ठीक है, उसको टेम्पलेटिंग इंजन के ज़रिए वो तैयार करता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा पेज उठा के ना वो यहाँ पे इस पेज को पूरे को भेजता है, ट्रांसफर करता है। अच्छा, नतीजा क्या होता है इसका, नतीजा ये होता है कि जाहिर है पेज बड़ा होता है, उसके अंदर HTML होती है, CSS होती है और जाहिर है फिर JavaScript भी होती है जो उस पर क्लिक पे चलेगी, और वो एक्चुअल डेटा होता है जो डेटाबेस से उसमें जाहिर है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या बोला, मैंने google.com लिख के या facebook.com लिखा, मैंने facebook.com लिख के मैंने एंटर किया, तो facebook.com का जो पूरा का पूरा पेज है ना, अगर वो इस वाले तरीके पे चल रहा है तो सर्वर पे वो पूरा पेज तैयार होगा पहले, और पूरा पेज तैयार हो के मेरे पास आके डिस्प्ले होगा। तो उसमें क्या किया है, HTML है, CSS है उस पेज में, और साथ में JavaScript है थोड़ी सी, अगर कोई क्लिक शेलिक उसमें है कुछ। नंबर 4, उसमें वो एक्चुअल डेटा है जो मुझे चाहिए था। अब क्या होता है, अब हो गया डिफरेंट। अच्छा, अभी जो है ना हम जो अप्रोच करते हैं इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में ये होता है कि क्लाइंट के ऊपर ना पहले से सारी JavaScript सब मौजूद होता है। ऐसा ही है, मिसाल के तौर पे हमने जो अपना फ्रंट एंड GH पेजेस पे डिप्लॉय किया हुआ है पहले से, अच्छा वो GH पेजेस के ऊपर जब मैं खोलता हूँ वो URL, तो वो पूरी HTML एक दफ़ा में लोड हो जाती है, दोबारा लोड नहीं होती वो, बस उसमें बटन दबाते हैं, फिर JSON में रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और रिस्पॉन्स आ जाता है सर्वर से। अब ये JSON में जो रिक्वेस्ट जाती है और JSON में ही रिस्पॉन्स आता है, ज़ाहिर है ये डेटा छोटा है, पूरे पेज के नस्बत तो छोटा है ना, तो ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, ये फास्ट चलती है ये वाली API, RESTful API। ठीक है, अच्छा RESTful के अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड जैसे SOAP वगैरह है, उसमें XML में रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, फिर पूरे पेज वो बहुत सारे हैं ये, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो REST API है। अच्छा, REST API के बाद एक और भी अभी आ गया GraphQL के नाम से, लेकिन वो अभी एक्सपेरिमेंटल है, कुछ लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े उससे वो यानी कह रहे हैं बेकार है ये, लेकिन REST API पर सबका इत्तेफाक है, अभी स्टेबल है, अभी स्टैंडर्ड है REST API। इसके बाद GraphQL अब आएगा नहीं आएगा वो बाकी की कहानी है, जब आएगा तो मैं भी सीख लूँगा, आप भी सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या देखा कि सर्वर से जो बातचीत होगी वो सारी, वो रिक्वेस्ट जेसन में भेजी जाएगी, रिस्पॉन्स जेसन में आएगा। इस तरह की API को हम REST API कहते हैं, और REST API का फ़ायदा क्या है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जल्दी ट्रैवल करते हैं। जाहिर है तार में जब ट्रैवल होता है डेटा, तो जितना ज़्यादा डेटा होगा तारों में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये क्विक होता है, फास्ट होता है। इसका दूसरा बेनिफिट, ये है कि क्लाइंट ज़रूरी नहीं है कि एक वेब एप्लीकेशन हो। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी जब बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, API कॉल होती है। भाई मोबाइल एप्लीकेशन अगर कोई है उस पर आपने लिखा कराची और एंटर किया, तो वो डेटा मोबाइल के अंदर थोड़ी मौजूद है, वो तो क्लाउड से लेकर आ रहा है कहीं से, अगर वेदर की बात करूँ मैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मोबाइल में सेव पहले से भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये कि वेदर का डेटा तो आपको नहीं पता ना, वो कितने सिटीज़ का डेटा आप सेव करेंगे मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक है, फिर कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, वो तो कल ही पता चलेगा। करंट वेदर कैसे आप सेव कर सकते हैं, पूरी दुनिया का करंट वेदर मोबाइल में सेव नहीं हो सकता, तो ये API कॉल करना ही इसका वाहिद हल है। और API हम किसकी कॉल करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई दुनिया में बहुत सारे वेदर चैनल्स होते हैं, तो किसी चैनल का या उस चैनल के किसी सब स्टेशन का हम API कॉल करेंगे,
वो पेड भी हैं, फ्री भी हैं, बहुत सारी हैं, तो उनमें से किसी ना किसी से मुझे वेदर मांगना पड़ेगा कि भाई मुझे दो वेदर, या तो मैं अगर छोटी सी मोबाइल ऐप बना रहा हूँ जो सिर्फ वेदर है, अब उसके लिए मैं पूरा सेटअप लगाऊँ, अपना वेदर स्टेशन बनाऊँ, फिर अगर लगा भी लूँगा अपना वेदर स्टेशन तो कहाँ कहाँ लगाऊँगा मैं, एक जगह लगा लूँगा किसी जगह, या शहर में चार पाँच लोगों से फ़ोन पर बात करूँगा यार अपनी छत पर लगा लो, ये पूरी दुनिया का वेदर कहाँ से लाऊंगा मैं, तो मेरे पास API कॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये मोबाइल फ़ोन से भी जब बटन प्रेस होता है ना गेट वेदर, तो वो भी API कॉल होती है और वो सेम सर्वर है, ठीक है। अच्छा, फिर कोई IoT डिवाइस है, अलेक्सा से बात हो रही है, आपने अलेक्सा से पूछा व्हाट्स द वेदर, तो अलेक्सा, अच्छा अलेक्सा में तो एक बिल्टन भी वेदर ऐप होती है ना, व्हाट्स द वेदर बोल तो पता, लेकिन इमेजिन करें आपकी ऐप चल रही है, हम अलेक्सा की ऐप अपनी खुद की भी बनाएंगे, तो वो भी क्या करेगा, इसी सर्वर को ही कॉल करेगा। अच्छा, तीनों जगह से जब रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर को पता है कि तीनों को कैसे रिस्पॉन्स करना, ठीक है। या तो फिर आप एक एक काम, जैसे ओपन वेदर API, ओपन वेदर API क्या करता है, कहीं से भी कॉल जाती है सेम रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स होता है, वो अलग नहीं होता, तो आप क्या करेंगे फिर, जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी ना, तो रिस्पॉन्स को आप थोड़ा जाहिर है अलग तरह से मैप चलाएंगे, मोबाइल फ़ोन में अगर भेजी है तो अलग तरह से मैप चलेगा वो वापस आने के बाद, ठीक है। और अलेक्सा के अंदर आप क्या करते हैं, उसमें भी यही करते हैं आप, रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, उसमें थोड़ा अलग तरह का मैप चलाते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मेरा बीच में एक छोटा सा चुन्ना सा एक लेयर लिखनी पड़ती है, क्योंकि अलेक्सा बोलता है कि भाई मेरे को ना रिस्पॉन्स वैसा चाहिए जो जैसा मेरी मर्ज़ी का, मुझे ओपन वेदर API की मर्ज़ी का नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ना ज़ाहिर सेंटेंस बना के देना होता है, तो जो सेंटेंस देते हैं ना वो एज इट इज़ बोल के बता देता है, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करना पड़ता है अगर इस तरह की IoT डिवाइस है कोई। तो हमने ये देखा कि REST API का बेनिफिट क्या होता है, कि एक बार हम सर्वर बना लेते हैं, उसके बाद वो सर्वर किसी भी जगह से कॉल किया जा सकता है, जहाँ जहाँ से REST API कॉल हो सकती है, चाहे वो रसबरी पाई की डिवाइस हो, चाहे वो कोई माइक्रो कंट्रोलर हो, ESP32 या 8266, उससे भी API को कॉल किया जा सकता है, ठीक है। छोटी सी छोटी कोई भी जगह, जैसे ये प्रोजेक्टर है ना, मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसके अंदर एक वाईफाई की चिप लगी हुई है तो इसके ज़रिए भी मैं API को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। जो अभी जो स्मार्ट बल्ब्स वगैरह हैं, वो असल में क्या होता है, उसके अंदर वाईफाई की चिप लगी हुई होती है, जब आप उसको सेटअप करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप उसको अपने वाईफाई का पासवर्ड बताते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको वाईफाई का पासवर्ड पता चल गया उस बल्ब को, अब वो बल्ब क्या करता है, अपनी मर्ज़ी से ना, जब उसका दिल करता है तो वो इंटरनेट पे API कॉल करके, और वो पता लगा लेता है कि मुझे ऑन होना है या ऑफ होना है, क्या होना है, सही है। मिसाल के तौर पे आप बल्ब ऑन था आपका, लाइट चली गई, बल्ब आपका ऑन था, लाइट चली गई, अब जब लाइट वापस आएगी तो उसको ऑन होना है या ऑफ होना है, ये कैसे पता चलेगा उसको, वो जैसे ही लाइट आती है वो एक रिक्वेस्ट मारता है सर्वर पे कि मैं लाइट जाने से पहले क्या था, ऑन था या ऑफ था, ठीक है। मे बी लाइट गई भी हो और मुझे, मैं मेरे घर पे वो बल्ब लगा हुआ है, मुझे क्या पता लाइट घर पे है या नहीं है, मैंने मोबाइल ऐप निकाली, मैंने कहा ऑफ, तो जब अब लाइट आएगी ना वापस तो वो ऑफ होगा, कैसे ऑफ होगा, जैसी लाइट आएगी वो देखेगा सर्वर पे कि भाई मैं क्या हूँ अभी, मेरा स्टेट क्या है, ऑफ है तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑन है तो ऑन हो जाएगा। जैसे अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनके पास स्मार्ट स्विच वगैरह लगे हैं, बल्ब नहीं स्मार्ट स्विच सब आ गया है अभी स्मार्ट, तो स्मार्ट स्विच में क्या होता है कि डायरेक्ट जो वाल है ना आपका, उसमें वो इतना बड़ा सा गोल सा होता है वो लगाते हैं आप, और उसके ऊपर आप प्लग लगाते हैं किसी भी चीज़ का, फ्रिज का, AC का, कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई फ़ैन वगैरह है, तो आप क्या करते हैं फिर, आप वो प्लग से कोई भी चीज़ अब स्मार्ट हो जाती है आपकी। तो मैं जैसे अब गाड़ी में घर जा रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार गर्मी बहुत है, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही मैं घर में एंटर हूँ ना रूम में, तो मेरा AC चल रहा हो पहले से, तो मैं यहीं से बैठ के मोबाइल ऐप से बोल दूंगा कि यार टर्न ऑन माई AC ऑन 26 डिग्री या जो भी, तो जब तक मैं घर पहुँचूंगा 15-20 मिनट में वो ठंडा कर चुका होगा मेरे रूम को। तो मतलब ये काम कैसे हो रहा है, अभी जो ये और नए ओरिएंट के जो फ्रिज है ना, उसमें ये फीचर मौजूद है, वो गूगल असिस्टेंट अलेक्सा दोनों से कनेक्ट हो जाता है और उसकी मोबाइल ऐप भी है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, बस उसको आपका AC वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपके घर में वाईफाई का राउटर ही बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। होता है ना समटाइम लाइट वाइट चली जाती है, वाईफाई बंद हो जाता है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर आपका वाईफाई इंटरनेट ऑन है और वो AC कनेक्टेड है उससे, वो शुरू में ही सेटअप के वक्त आप बता देते हैं कि क्या है, वो फिर हमेशा कनेक्ट रहता है। तो अब आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए ना, आप मोबाइल ऐप खोलेंगे, बटन दबाएंगे, और बटन दबाने से क्या होगा, AC ऑन डायरेक्ट नहीं होगा, वो बटन दबाने से API कॉल होगी, बीच में कोई सर्वर लगा हुआ है जो यूनिवर्सल है, वहाँ सर्वर पे जाके वो सेट कर देगा कि आपका AC क्या है इस वक्त, ऑन है, अब वो सर्वर से मैसेज आपके AC के पास चला जाएगा। अगर लाइट आना जाना भी करेगी, AC दोबारा चेक कर लेगा कि सर्वर पे ऑन है या ऑफ है, समझ लो। तो हमने क्या देखा कि REST API किसी IoT डिवाइस से भी कॉल हो जाती है, हर जगह से कॉल हो जाती है। तो इसलिए
हम REST API का इस्तेमाल करते हैं, जो जदीद इस वक्त API लिखी जा रही है वो RESTful API है। अच्छा, अब ये ना नीचे वाली दोनों को हम उड़ा देते हैं, अब हम सिर्फ बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया ना कि सब जगह से कॉल हो जाता है, अब इन दोनों को हम उड़ा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम जो चीज़ समझने लगे हैं उसके लिए हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इसको थोड़ा हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा, अब जो मैं बताने लगा हूँ ना बात, बड़े गौर से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। देखो, एक रिक्वेस्ट निकली आपके वेब एप्लीकेशन से और वो कहाँ गई? वो सर्वर पे चली गई। अब ये रिक्वेस्ट ना, ये एक प्रोटोकॉल है इस रिक्वेस्ट का। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक जाप्ता होता है कि जिसके तहत ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो ये रिक्वेस्ट जो होगी ये जाती है HTTPS प्रोटोकॉल के ज़रिए, ठीक है। HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है? ये HTTPS प्रोटोकॉल हमें कहता है कि जो रिक्वेस्ट जाएगी ना आपकी, उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा हेड, सही है, जो कि होगा पब्लिक, ये हेड है, ये पब्लिक है, और एक होगा बॉडी, बॉडी होगा प्राइवेट इसको। अच्छा, जब आपकी रिक्वेस्ट निकलती है आपके कंप्यूटर से, जैसे अभी मैं इस लैपटॉप से अगर कोई इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, किसी भी सूरत में, फेसबुक पर कोई मैंने पोस्ट लिख के पोस्ट का बटन दबा दिया, या कोई भी ऐसे रिक्वेस्ट, या वेदर ऐप आप में से किसी की बनाई हुई वेदर ऐप खोलता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट जब यहाँ मेरे कंप्यूटर से निकलेगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी ये? हाँ बताओ, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचेगी? वाईफाई राउटर पे पहुँचेगी, सही है। जिस वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ, ये लगा हुआ है आपके सर के ऊपर, EAP डिवाइस, ठीक है, एक्सेस पॉइंट कहते हैं उसको। ये स्पेशल किस्म का राउटर होता है जो सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट कराने का काम आता है, इसमें और कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये EAP डिवाइस लगी हुई है, ये एक तरह का राउटर है, मेरी रिक्वेस्ट निकल के सबसे पहले इस राउटर में जाएगी। इसके बाद कहाँ जाएगी? इसके बाद ज़ाहिर है ये किसी ना किसी स्विच से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं चल सकता, ये वाला डायरेक्ट नहीं चलता, इसको पहले ना एक चाहिए होता है, वो जो मेन राउटर आप सबके घरों में लगा हुआ होता है ना, वो फाइबर आके लगता है उसमें, और उससे फिर तार निकल के यहाँ आती है, और उसके बीच में भी मोस्ट प्रॉब्ली एक स्विच होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये वो होते हैं पावर ओवर इथरनेट POE डिवाइस। इसमें आप देखें वो पावर की केबल नहीं लगी हुई, सिर्फ RJ45 लगा हुआ है, उसी में ही पावर आ रहा होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बीच में एक और स्विच होता है, POE स्विच कहलाता है वो। तो तो कुल मिला के बात ये है कि मेरी रिक्वेस्ट निकल के यहाँ जाएगी, इसके बाद POE स्विच में जाएगी, इसके बाद मेन स्विच में जाएगी, उसके बाद फाइबर वाले राउटर में जाएगी, उसके बाद निकल के ज़ाहिर है जहाँ इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो उसके पास भी कोई सर्वर होगा, स्विच होगा या राउटर होगा, कोई सिस्को वगैरह का कुछ लगाया हुआ होगा उसने, वहाँ जाएगी। वहाँ से निकल के जो मेन प्रोवाइडर है ISP, जैसे PTCL वगैरह, फाइबर बड़े प्रोवाइडर जो है, वहाँ जाएगी। वहाँ से निकल के फिर मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास PTA का कोई अथॉरिटी होगी, उनके स्विच से गुजरते हुए कि फ़िल्टर होके जाएगी ना, गवर्नमेंट तो देखेगी क्या भेज रहा हूँ मैं इंटरनेट पर। उसके बाद फिर सबमरीन केबल में दाखिल होगी। तो ये जितने भी बीच में कंप्यूटर आते जा रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड नॉड्स। ये क्या कहलाते हैं? नॉड्स, ठीक है। तो एक नॉड मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये बीच में तमाम जितने भी ना सारे नॉड्स हैं ये। अच्छा, जो इंटरनेट की डेफिनेशन भी आप अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी लिखा हुआ होता है कि इंटरकनेक्टेड नॉड्स इज कॉल्ड इंटरनेट। कंप्यूटर का जिक्र नहीं आता उसमें, वो कंप्यूटर होता है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे होगी ना, उसमें ये लिखा होगा इंटरकनेक्टेड नॉड्स। नॉड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कनेक्ट हुई हुई है किसी भी मीडियम के ज़रिए, चाहे तार के ज़रिए, चाहे वायरलेस। मिसाल के तौर पे अगर आपके CPU के साथ अगर मॉनिटर कनेक्ट हुआ हुआ है, तो दिस मॉनिटर इज़ अनदर नॉड। CPU एक अलग नॉड है, मॉनिटर एक अलग, ये सब मिला के एक कंप्यूटर है, लेकिन ये नॉड्स अलग अलग हैं। इस कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ है ना, तो वो एक अलग नॉड है, क्योंकि प्रिंटर भी डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है ना अब तो। लेकिन नहीं भी हो, अगर सिर्फ अलग है, सिर्फ तार के ज़रिए जुड़ा हुआ है, तो वो भी अलग नॉड कहलाता है, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड नॉड्स हैं। अब इस इंटरनेट में कौन कौन शामिल है? आपके घर पे लगा हुआ स्मार्ट बल्ब भी शामिल है, आपके घर पे मौजूद AC भी अब उस इंटरनेट का पार्ट है, ठीक है। यही वजह है कि उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। एक तो इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर है ना, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसीलिए कहते हैं
क्योंकि इंटरनेट क्या है, इंटर कनेक्टेड नॉड्स हैं। अब उसमें ये थिंग्स भी शामिल हो गई हैं, चीज़ें एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये बल्ब, ये चीज़ें, तो इसलिए उसको आईओटी कहते हैं। वेल, तो हमने क्या देखा कि दो चीज़ें होती हैं किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर ना, ये समझें रिक्वेस्ट को आप ऐसे समझें कि ये एक ब्रीफ केस है जो यहाँ से निकलेगा और जाएगा कहाँ, जिस कंप्यूटर पर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है वहाँ जाएगा। अच्छा, अगर तो सामने है कंप्यूटर, जैसे लास्ट क्लास में मैंने जब अपने कंप्यूटर पर सर्वर को रन किया था तो उसमें रिक्वेस्ट कौन भेज रहा था, आप लोग भेज रहे थे, यहीं से आ रही थी फ़ौरन, तो आपके कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट निकली तो कहाँ गई सबसे पहले, जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं, अगर वायरलेस कनेक्ट है आपके पास तो वाईफाई पर गया होगा, और उस वाईफाई से फिर मेन राउटर से घूम के मेरे पास आ गया, क्योंकि यहीं पर है। अगर यूरोप में होता वो कंप्यूटर, जैसे कि अभी साइक्लिक है, वो मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए में होगा, देखा नहीं है मैंने कहा है, लेकिन होगा यूएसए में ही होगा, तो वो फिर जाएगा, वो सबमरीन केबल से होता हुआ, लेकिन कोई इतना फ़र्क लगता नहीं है ज़्यादा, टाइम ऐसा लगता है फ़ौरन हुआ है ना, क्योंकि वो फास्ट बहुत है, इंटरनेट का कनेक्शन हमारा बहुत फास्ट हो गया है। एक ज़माने में बाकायदा पता चलता था कि लोकल नेटवर्क पे करो तो फ़ौरन होता था, और जब अमेरिका के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजो ना तो वो बाकायदा टाइम लगाता था 15-20 सेकंड, आप facebook.com लिख के एंटर करके छोड़ दो, खुल रहे हो लिटरली, ये टाइम मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैंने देखा है ये टाइम, कोई तो इतनी पुरानी बात नहीं है, मतलब कोई एक ज़माना था वो PTCL का फ़ोन होता था, वी वायरलेस, उससे कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते थे, डायल अप कनेक्शन होता था 128 kbps का, और वो भी कभी पूरा नहीं आता था, 64 kbps तक आता था, यानी 50% देता था वो, और वो घंटे के हिसाब से उसमें कार्ड डलता था, एक घंटे वाला कार्ड आता था इंटरनेट का, हाँ एक घंटे वाला, इमेजिन कर सकता है अभी कोई, कि 100 रुपये का कार्ड होता था, वो कार्ड ला के स्क्रैच करते थे, उसका नंबर डायल कर दो इसमें, तो एक घंटे के लिए आपका इंटरनेट ऑन हो गया, अनलिमिटेड कहाँ, 64 kbps की स्पीड है, क्या कर लोगे उसमें, अनलिमिटेड ही बोलते थे वो, अनलिमिटेड इंटरनेट फॉर 1 आवर, लेकिन उसमें कर क्या लोगे आप, 64 bit का इंटरनेट चल रहा, वो भी बारिशें हो गई तो वो भी गया, तो मतलब उस टाइम पे लिटरली पता चलता था कि नहीं यार ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अभी भी पता चलेगा अगर आप बड़ी फाइल भेजेंगे ना, अगर मेरे सर्वर से मैं कोई मतलब 2-4 GB का कोई गेम हो ना, कोई फाइल हो 2-4 GB की, और वो मैं आप भेजें यहाँ पे रिक्वेस्ट, और वो फाइल मैं भेजूँ वापस रिस्पॉन्स में, तो आपके पास वो फ़ौरन जाएगी यूँ थक, क्योंकि सेम नेटवर्क पे ना, तो एटलीस्ट आपको, क्योंकि GBPS कनेक्शन है यहाँ सारे जो लगे हुए, तो आपको एटलीस्ट 1 GB की स्पीड मिलनी चाहिए पर सेकेंड लोकल नेटवर्क पे करें, लेकिन जाहिर है जब आप बाहर भेजेंगे तो फिर ISP की स्पीड काउंट होगी, यहाँ पे जो इंटरनेट लगा हुआ शायद वो 50 MB का या 100 MB का पता नहीं, तो उससे ज़्यादा स्पीड फिर आपको नहीं मिलेगी अगर अमेरिका के किसी सर्वर से आप डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि वो ओवर द इंटरनेट आ रहा है, ये ओवर द इंटरनेट नहीं होगा, ये आपको लोकल ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। वेल, तो हम बात कर रहे थे कि जब भी रिक्वेस्ट निकलती है वो डिफरेंट नॉड से होती भी गुजरती है, तो ये जो हेडर है ना आपका, ये ऊपर वाला जो पार्ट है हेडर, ये हेडर होता है पब्लिक, रस्ते में जाते हुए जितने भी नॉड से आपकी रिक्वेस्ट गुजरेगी ये हेडर वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हेडर में होती हैं अभी हम बात करते हैं। अच्छा, फिर होती है एक बॉडी, बॉडी जो होती है वो इनक्रिप्टेड होती है, HTTPS जो है ना, S जो लगा हुआ है सिक्योर है, S फॉर सिक्योर, तो एक SSL, एक अप्रोच, एक SSL की टेक्निक होती है इनक्रिप्शन की, तो वो यहाँ से इनक्रिप्ट होके जाता है, उसको रस्ते में कोई पढ़ नहीं सकता। अच्छा, हेड में क्या क्या बात लिखी हुई होती है, सबसे पहले तो URL, ठीक है, कि कौन से पे जा रहा है, स्लैश प्रोफाइल है, स्लैश अबाउट है, क्या है प्रोफाइल, ठीक है। उसके अलावा IP एड्रेस का ना पूरा एक टेबल बनता है, IP एड्रेस का पूरा एक टेबल बनता है ये इसके अंदर, कहाँ पे, इस हेड के अंदर बना हुआ होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से निकला, अब राउट ढूंढते हुए जाता है ना, पूछते हुए जाता है कहाँ पर है ये IP, कहाँ पर है ये IP, कहाँ पर है, ऐसे पूछते हुए जाता है एक बार पहली दफ़ा में, तो वो पहली दफ़ा में जब एक नोड से निकला, दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, फिर वो सबकी IP ना नोट करता जाता है एक टेबल, पूरे टेबल में जब वहाँ पहुँच जाता है तो वो एक पूरा लिस्ट होती है, उसको पता होता है मुझे वापस कैसे आना है उसको, वरना तो गुम हो जाएगा ना, इतने सारे वो, इतना बड़ा जाल इंटरनेट का, वो तो गुम हो जाएगा बीच में, तो जाते हुए वो पूरा सेव करते हुए जाता है कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर रहा हूँ, किसी पे जाके वो वापस भी आता रिटर्न कि नहीं आगे बंद है रास्ता, फिर दूसरी साइड से जाता है, ठीक है। इसको राउटिंग टेबल कहते हैं, ये नेटवर्किंग में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, तो वो जब पहुँचता है वहाँ पे ना तो पूरी एक टेबल होती है, ऐसे करके मुझे वापस आना है, तो वो टेबल कहाँ होती है, वो पब्लिक होती है हेड के अंदर, और उसी से वो वापस भी आता है फिर। तो ये एक चीज़ हो गई, URL हो गया। फिर इस रिक्वेस्ट की जो है ना, इस रिक्वेस्ट की मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं,
ठीक है, एक रिक्वेस्ट या तो गेट होगी, या तो पोस्ट होगी, या तो पुट होगी, या तो डिलीट होगी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपको सर्वर से कुछ मंगवाना है, जैसे वेदर डेटा हम जब कॉल करते थे वेदर API, तो उसमें हम करते थे गेट एक्जियोस डॉट गेट। इसका मतलब क्या है, मैं सर्वर से कुछ मंगवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मंगवाने में मुझे बॉडी आमतौर पर खाली भेजता हूँ, बॉडी नहीं होती उसमें, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट जब मैं भेजूंगा तो उसमें बॉडी आमतौर पर भेज सकता हूँ, लेकिन भेजूंगा नहीं, खाली रखूंगा बॉडी को। अच्छा, तो सर्वर से मैं कुछ मांग रहा हूँ, मैं उसको कुछ दे नहीं रहा, उस बोल रहा हूँ भाई मुझे दो। एक होता है पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है मेरे पास डेटा है, मैं सर्वर को भेज रहा हूँ। जैसे फेसबुक पे जब आप कोई बात लिख के और पोस्ट का बटन दबाते हैं तो आप क्या करते हैं, सर्वर पे पोस्ट करते हैं वो, क्योंकि वो डेटा तो आपके पास है ना, जो आपने लिखा है वो आपका डेटा है, आपके पास है, आप पोस्ट कर रहे हैं उसको। तो पोस्ट करते वक्त फिर बॉडी में वो तमाम डेटा रख के भेजते हैं आप, जो कि आपका प्राइवेट डेटा होता है, उसको रास्ते में कोई रीड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हेड के अंदर URL और मेथड उसका और राउटिंग की टेबल वगैरह, ये चीज़ें होती हैं, वो पब्लिक होती हैं, जाते हुए कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, URL में भी समटाइम हम कुछ डेटा रख के भेज रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे github.com लिखता हूँ ना मैं, तो मैं अपना यूज़र नेम /MNZAMAMMALIK लिखूँगा, तो फिर उस URL से डायरेक्ट मेरा पेज खुलता है। तो वो असल में कुछ डेटा मैं URL में भी रखता हूँ, लेकिन वो पब्लिक डेटा होता है, वो कोई सीक्रेट डेटा नहीं है। लेकिन अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने ईमेल और पासवर्ड लिख के और लॉगिन किया, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको बॉडी में रख के भेजूँगा, ठीक है। जब मैं लॉगिन की API कॉल करता हूँ तो वो किस में जाती है, पोस्ट में जाती है, कि मैंने ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, अब वो ईमेल पासवर्ड मैं भेजना चाह रहा हूँ, कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, किसी सर्वर पे, जो भी उसका सर्वर है। तो ये जो डेटा है ना, ये बॉडी में रखूँगा मैं और इसको पोस्ट करूँगा, मैं कहूँगा ये लो पोस्ट करो। रिटर्न में मुझे वो क्या देगा, बॉडी में ही जवाब देगा, क्योंकि जो भेज रहा है वो भी सीक्रेट है, बॉडी में ही जवाब देगा कि ये लो भाई आपका टोकन आ गया, इस टोकन को अब हर दफ़ा आप इस्तेमाल करोगे तो आपको डेटा मिलता रहेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई रिक्वेस्ट की बात। अच्छा, रिक्वेस्ट के हेड में ना एक चीज़ और भी होती है, कि जो कंटेंट में भेजे उसकी टाइप क्या है। मतलब हम तो बोल रहे हैं ना कि जेसन में रिक्वेस्ट आती है, जेसन में जाती है, और भी तो तरीके हैं ना जेसन के अलावा, तो वो भी हेड में लिखा हुआ होता है कि बॉडी की टाइप क्या है, हेड में उसको बोलते हैं कॉन्टेंट टाइप। ये हम अभी सब करके देखेंगे, ये तो थ्योरी बता रहा हूँ, ये हम एक्चुअल में करके देखेंगे ये सारा कुछ। कॉन्टेंट का टाइप भी होता है, तो हेड में ही देख के उसको पता चल जाता है, अच्छा बॉडी को डिक्रिप्ट कैसे करना है, ठीक है। बॉडी में टेक्स्ट भी हो सकता है, बॉडी में जेसन भी हो सकता है, बॉडी में XML भी हो सकता है, बॉडी में कोई बाइनरी फाइल भी हो सकती है, JPG वगैरह, ठीक है, कोई MP3 फाइल भी हो सकती है, जो मैं अपने कंप्यूटर से उठा के सर्वर पे भेज रहा हूँ, तो वो हेड में वो बात भी लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई रिक्वेस्ट की बात। अब रिस्पॉन्स की हम बात कर लेते हैं। जब रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा ना वापस मुझे यहाँ पर, तो वो रिस्पॉन्स क्या होता है, वो ये सेम ऑब्जेक्ट होता है, सही है, वो यही सेम ऑब्जेक्ट होता है जो रिस्पॉन्स में मुझे वापस भेजा जा रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होता है, हेडर और बॉडी होता है। अब हेडर, ये वही हेडर है असल में, जो रिक्वेस्ट गई थी ना उसी के हेडर में वो चेंज वेंज करके बोलता है चलो वापस जाओ, ठीक है। बॉडी में जो मिलता है वो निकाल लेता है। आप जैसे मिसाल के तौर पर आप समझे, आपने कबूतर भेजी, कबूतर पे भेजते थे ना पहले, तो ये काम कबूतर करते थे कि कबूतर के टांग में आपने बांधा, लिख के पर्ची और भेजा कबूतर को। अब वो जिसके पास कबूतर पहुंचा ना, उसने अपनी पर्ची निकाल ली और यानी जो पढ़ा उसको, और जवाब लिख के उसी पे वापस लगा के उसी कबूतर को वापस भेजा। तो ये वही हो रहा है, ठीक है, कबूतर भेज रहे हैं, तो ये सेम कबूतर है लेकिन उसके पैर में पर्ची अब दूसरी बंदी भी है, वो रिस्पॉन्स की पर्ची है जो सर्वर के का जो रिस्पॉन्स है। तो अब इसमें भी क्या है, हेड के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, पब्लिक है। वापस आते हुए ज़ाहिर है राउटिंग टेबल उसके अंदर है, तो अब एक वापस आते हुए यानी सर्वर से निकला, सर्वर के बाद एक स्विच में पहुंचा, फिर दूसरे स्विच, तो उस स्विच को क्या पता कि इसको कहाँ भेजना है। अभी वो स्विच देखेगा इसके हेड में टेबल क्या लिखी हुई है, वो अगले फिर उस IP भेजेगा, फिर वहाँ पहुंचेगा, फिर वो देखेगा अगले इसमें, तो वहाँ भेजेगा, तो ऐसे करते करते वो आपके कंप्यूटर पर वापस आ जाएगा, ठीक है। और आपके कंप्यूटर वापस आके वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है S है, HTTPS है। अच्छा, ये लेकिन इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हम नहीं करते, वो लाइब्रेरी खुद कर रही होती है, हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहे होते हैं, वो पहले से हुआ हुआ है काम, वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ये सब लाना ले जाना ये सब आइटम, ये हमारा काम नहीं है, ये पहले से हुआ वैसा बंदर, ये बस थ्योरी बता रहा हूँ आपको थोड़ी। अच्छा, तो हेड के अंदर वो सब कुछ होता है वो पब्लिक होता है, URL जो होता है वो हेड में वो भी पब्लिक होता है, मेथड वगैरह सब कुछ। कंटेंट का टाइप इसमें सम टाइम चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपने रिक्वेस्ट भेजी, सामने से JPG फाइल भेज रहा है वो, तो बॉडी की टाइप अब क्या हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टेंट ये बाइनरी फाइल है या JPG फाइल है वो हो जाएगा, और अब बॉडी के अंदर क्या होगा, एक पूरी JPG इमेज होगी,
तो वो रिक्वेस्ट वही होती है, जस्ट वो आपका सामान निकाल लेता है और अपना नया सामान डाल के उसको वापस भेज देता है। ठीक है भाई, दबे कबूतर की बात हो रही है तो आप लोगों को पता है कबूतर को कैसे भेजा जाता था? कबूतर भेजा किसी ने? वैसे तो मैं भी, मैंने जब होश संभाला तो मैंने टेलीफोन देखा डायरेक्ट, कबूतर वाला दौर तो मैंने भी नहीं देखा। लेकिन ऐसे एक सवाल है, एक ऐसी ब्रेन स्ट्रोमिंग का एक सवाल है कि कभी सोचा है ज़िंदगी में कबूतर को कैसे भेजा? मतलब कबूतर बोल तो सकता नहीं है, हैं कैसे ट्रेन करते होंगे, मतलब कैसे करते होंगे ट्रेन यार? पाँव में धागा बांधने से उसको क्या पता धागा पॉइंट थोड़ी करेगा कि उधर जाना है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैंने उस कबूतर को भेजना है गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 हाउस नंबर, पता नहीं आजकल तो इतने बड़े बड़े वो फ्लैट्स बने हुए ना कि पिज़्ज़ा राइडर कन्फ्यूज़ हो जाता है, हालांकि उसके पास मैप सब होता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार कौन सा वाला है, वो नीचे पूछ रहा होता है बेचारा। लेकिन चलो मिसाल के तौर पर फ्लैट नहीं है, डायरेक्ट एक ही प्लॉट नंबर है गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 प्लॉट नंबर 245C, पता नहीं जो कबूतर वहाँ कैसे पहुँचेगा, कबूतर को तो इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती कि वो प्लॉट नंबर पढ़ ले। सोचा है कभी ये? हाँ अच्छा, नहीं वो तो ब्रेन इंटरफेस के जरिए कर रहा है, वो तो सही कह रहे हो तुम, वो तो ब्रेन को ही कंट्रोल करते हैं ना, उसके जहन में वसवसे आते हैं कि इस गली में टर्न होना है, इस गली में टर्न होना है। नहीं नहीं वो हो रहा है, सही कह रहा है, वो ब्रेन इंटरफेस के जरिए ना एक वो एक रॉड डाल के ना उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स भेजता है, उसको जहन में वसवसे आते हैं कि इस गली में टर्न होना है, और कैमरा भी लगा हुआ है तो वो दिख भी रहा होता है कि वो कहाँ जा रहा है कबूतर। ठीक है, लेकिन कबूतर को कैसे ट्रेन करते होंगे? हिप्नोटाइज कबूतर को? हाँ अच्छा, मैंने भी ये सोचा ना, मेरे रिसेंटली मेरे जहन में ये सवाल आया, तो मैंने सोचा कि यार क्या करते होंगे, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने ब्लॉक 2 का फलां वाला घर है वो, तो उसको एक बार कैसे ट्रेन करूँगा, बार बार उसको वहाँ लेके जाऊँगा वापस लाऊँगा, क्या करूँगा, ये तो बड़ा मसला है। हाँ अच्छा, मुझे जो आंसर मिला ना वो बता देता हूँ मैं क्या है। तुम लोगों से ऐसी अलग से बात है, ऐसी बात निकल गई तो बता रहा हूँ। असल में कबूतर को ना जो कहते हैं ना कि फला जगह भेजा और फिर वहीं से वापस भी आ गया, ये बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा होता नहीं है, ये फिक्शन है कि भाई बंदे ने कबूतर छोड़ा उड़ के गया भी और वापस भी आ गया, ऐसा नहीं होता। वो असल में होता ये था कि जैसे काफिला निकला कोई, कबूतर का ये होता है कि कबूतर का जो पेयर होता है ना वो कबूतर बड़ा आपस में प्यार होता है, कबूतर के पेयर्स में ना मेल फीमेल में तो वो जोड़ी होती है असल में उनकी, तो वो साथ में उसको रखते हैं, लोग पालते थे कबूतर इस चीज़ के लिए बकाया था, जैसे अभी घोड़े पालते थे लोग ट्रैवल करने के लिए, तो इसी तरह लोग इसको पालते थे मैसेज पैगाम रसानी के लिए पाला करते थे लोग। अब मिसाल के तौर पे बादशाह है, बादशाह के पास कबूतर का एक बहुत बड़ा वो होता था, उसमें अलग 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 जोड़ियाँ होती थी, उसके बड़े अच्छे ट्रीट किया जाता था उसको। अब कोई काफिला निकलने लगता था तो उसमें से ना पेयर में से वो एक को छोड़ देते थे पिंजरे में और दूसरे को काफिले वालों को दे देते थे और वो उसको लेके चले जाते थे। तो कबूतर की ये फितरत होती है कि अगर उसको छोड़ा जाए ना तो वो अपने पेयर के पास वापस आता है। ठीक है, ये वफादार कहते हैं उसको, आपस में बड़ा उनके प्यार होता है तो वो वापस अपने पेयर के पास आता है। तो वो जितने 10-12 पेयर है ना वो सबका एक एक निकाल के वो काफिले वाले अपने साथ ले जाते थे। अब रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसी बात हुई जो वापस बतानी है तो वो एक कबूतर को निकाल के उसमें बांधा पैर में और उसको छोड़ दिया, अब वो उड़ के वापस अपने पेयर के पास आएगा, तो वो पैगाम इस तरह ट्रांसफ़र हो जाता था। ऐसा नहीं है कि वो वापस काफिले में जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है। ठीक है, या मिसाल के तौर पे दो बंदे हैं ना, अगर जैसे मुझे किसी को भेजना है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि जब वो मेरे पास बंदा विजिट करे ना मुझे, तो मैं पेयर में से एक उसको दे के भेजूँ कि भाई ये ले जाओ, अगर तुम्हें पैगाम भेजना होगा तो तुम भेज देना पेयर बांध के, अगर मुझे भेजना होगा तो मैं उसको भेज दूँगा। दोनों नहीं हुए मतलब? मतलब दोनों को सेम टाइम पे उड़ा दिया तो ख़त्म कहानी, फिर गए दोनों, अब वापस भी नहीं आएंगे वो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब दोनों के पास एक एक पेयर है ना, अब मिसाल के तौर पे वो हैदराबाद चला जाए भले बंदा, मीलों दूर भी चला जाए ना, कबूतर के ब्रेन के अंदर एक GPS होता है, वो GPS उसको बताता है कि किधर जाना है,
यानी मिसाल के तौर पे जब वो अलग हुआ ना, तो उस वक्त से उसने नोट करना शुरू कर दिया कि मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं, भले आप उसको बंद क्यों ना कर दें, लेकिन वो GPS है, वो ट्रैक करता है कि अच्छा मैं इतने इधर चला गया, इतने इधर चला गया, वो उसी को ट्रैक करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो अब दो बंदे हैं, वो भले मीलों दूर हैं, वो एक छोड़ेगा ना उसमें से कोई पेयर, उसके पैर में आप कुछ भी बांध दें, जो मर्जी बांध दें, वो आएगा अपने पेयर के पास। तो ये ट्रिक थी इसकी, वापस नहीं जा सकता। वो आप मिसाल के तौर पर वापस भेजना है तो आप दो पेयर भेजना, तीन पेयर, चार पेयर भेजना। मिसाल के तौर पे मेरे पास थे 6 पेयर, मेरे पास कोई बंदा विजिट करने आया, मैंने 6 पेयर में से एक एक निकाल के 6 के 6 उसको दे दिए। अब बैक एंड फोर्थ में कितने पैगाम भेज सकता हूँ? 6। ठीक है, तो पहला उसने भेजा, एक पेयर वापस आ गया, अब एक पेयर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो वहाँ जाएगा। ये बैक एंड फोर्थ इस तरह चलता था। तो आपके पास कबूतर के ना पेयर ज़्यादा होने चाहिए, कबूतर बड़े महंगे हुआ करते थे उस ज़माने में, जब कबूतरों से ये काम लिया जाता था, पूरा सेटअप हुआ करता था, ये बाकायदा एक फील्ड थी आर्मी के अंदर, बाकायदा एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जो इन चीज़ों को देखता था। जो फौज होती थी ना बादशाह की, अब कोई लश्कर निकला है जंग लड़ने गया है, बादशाह तो महल में, तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता था जो इस चीज़ों को डील करता था। फिर ह्यूमंस भी होते थे, एक बड़ा तेज़ रफ्तार घोड़ा लेके एक ह्यूमन भी होता था कि अगर कबूतर कभी फेल हो जाए ना तो ह्यूमंस, फिर उन कबूतरों को पकड़ने के लिए भी एक डिपार्टमेंट हुआ करता था आर्मी में। मिसाल के तौर पर आपको पता है लश्कर लड़ रहा है कि अब कबूतर भेजेगा अपना वापस, तो वो उनको पकड़ने का भी इंतज़ाम होता था, यानी डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ था उस पैगाम, जैसे अभी है ना वायरलेस को जैम वगैरह कर लेते हैं, तो कबूतर को भी पकड़ लिया जाता था रास्ते में, तो बड़े मुश्किल मामला थे। कोई जाल वाल फेंक के ना, जैसे वो गन वो तीर के साथ जाल बना के। वेल, तो चलो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में ना ये जो थ्योरी सारी पढ़ी है हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, REST API के 5 प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम चला कर देखेंगे और डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा।